पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कई मामलों में सिटीशन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। दिसंबर 2019 में शुरू हुए शाहीन बाग प्रदर्शन के बाद इसकी गतिविधि बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलवामा टेरर अटैक के बाद 27, NTCAA प्रोटेस्ट में 25, हाथरस गैंग रेप के बाद 22 और किसान आंदोलन के चलते 6 सिटीशन के केसेस रजिस्टर हुए हैं। 31 मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर बेंच ने अमोदय ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ऑब्जर्वेशन दिया कि सरकार के विरुद्ध कही गई हर बात को सिडिशन नहीं माना जाएगा। हमें लगता है कि आईपीसी के सेक्शन 124A, 155A, 505 को अब एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की जरूरत है। इस सेक्शन के दायरे में अब क्या क्या आएगा उस पर विचार करते समय हमें मीडिया की आजादी को भी ध्यान रखना होगा। अब विवाद इस बात का होता है कि लॉ में यह स्पष्ट नहीं है कि सिडिशन के चार्जेस में देशद्रोह लगाया जाएगा या राजद्रोह भी लगेगा। क्या सरकार की नीतियों और एक्शन को क्रिटिसाइज करने को सिडिशन कहा जाएगा या किसी क्रिटिसिज्म से हुए वायलेंस की वजह से उसे सिडिशन कहा जाएगा? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिन पर काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के जवाब डिस्कशन में जानेंगे। आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नोलीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। द सिडिशन लॉ सेज हूएवर बाय वर्ड ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज bring or attempt to bring into hatred or contempt or excite or attempt to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years to which fine may be added or with fine। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को सरकार के खिलाफ भड़काता है या भड़काने की कोशिश करता है, सरकार के खिलाफ नफरत फैलाता है या सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, तो उसे दोषी माना जाएगा। फिर वो चाहे ऐसा लिखकर, बोलकर, चिन्ह द्वारा, इशारे द्वारा या कोई भी एक्सप्रेशन यूज करके करता हो, तो उसे 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकती है। सरकारें इन सेक्शन का यूज काफी समय से करते आ रही है, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि अब हम डेमोक्रेसी कंट्री हैं, तो इस कानून का होना जरूरी नहीं है। कई इंटेलेक्चुअल्स भी कहते हैं कि हमें सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन झूठ और फेक प्रोपोगंडा यूज करके यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुनी गई सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो उसे एंटी नेशनल एक्टिविटी माना जाना चाहिए। ये बातें थ्योरेटिकली समझना काफी आसान है, लेकिन मुश्किल तो प्रैक्टिकल सिचुएशन आने पे हो जाती है। क्रिटिसिज्म और फेक प्रोपोगंडा को अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी थिन लाइन है। आइए अब हम सिडिशन लॉ की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और रेगुलर लीगल अपडेट की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया से जुड़े, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ब्रिटिश रूल के समय मैकॉले ने 1860 में जब आईपीसी का ओरिजिनल ड्राफ्ट दिया था, तब उसमें सेक्शन 124A नहीं था। बाद में जॉन स्टीवन ने 1870 में इसे इंट्रोड्यूस किया और आईपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1898 में इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन भी किए गए। इस सेक्शन में पहला केस 1891 में रजिस्टर हुआ, क्वीन एक्सप्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस में बंगाली मैगजीन का यह कहना था कि यदि सरकार के विरुद्ध कुछ भी लिखा जाता है तो उसके लिए ऑथर लाइबल होगा, पब्लिकेशन नहीं। इसी केस में उन्होंने सिडिशन लॉ को चैलेंज किया था। इस मैगजीन में उन्होंने ब्रिटिश रूल के
नीतियों के विरुद्ध एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का विरोध किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई सरकार के विरुद्ध आर्टिकल लिखा जाता है तो उसके लिए ऑथर के साथ साथ पब्लिकेशन भी बराबर लाइबल होगा, क्योंकि कंटेंट स्प्रेड आउट तो वहीं से ही होता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने काफी अच्छी तरीके से डिसएप्रोप्रिएशन यानी असहमति एंड डिसअफेक्शन यानी नफरत, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को काफी अच्छी तरीके से समझाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉ में डिसअफेक्शन के लिए पनिशमेंट है, तो इससे किसी के अधिकारों को ठेस नहीं पहुंच सकती है। 1897 में क्वीन एक्सप्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह माना कि डिसअफेक्शन को जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जोगेंद्र चुंदर बोस में डिफाइन किया है वह काफी सही किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार के खिलाफ दुर्व्यवहार दिखाना क्राइम है, इसमें उसका लेवल देखना भी जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि सीडिशियस स्पीच और आर्टिकल के सर्कमस्टांसेस के आधार पर ऑफेंस डिसाइड हो, इसमें तो बस अक्यूज्ड की इंटेंशन देखी जाएगी, जिसको प्रिज्यूम करने के लिए कंटेंट, ऑडियंस और सर्कमस्टांसेस को कंसीडर किया जाएगा। जबकि 1917 में बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में एम्परर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक में उन्होंने अपने पुराने डिसीजन को चेंज करते हुए कहा कि अलेज्ड सीडिशियस स्पीच का पब्लिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसी से ही अक्यूज का इंटेंशन तय किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी माना कि आईपीसी में जितने भी पॉलिटिकल सेक्शन ऐड हुए हैं उनमें से सबसे खतरनाक सीडिशन लॉ है, ये सिटीजन के लिबर्टी को सप्रेस करता है। जवाहरलाल नेहरू का भी यह कहना था कि किसी भी कानूनी व्यवस्था में यह सबसे अप्रिय और आपत्तिजनक है, इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस के बाद इसे हटाया नहीं गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन लॉ को लेकर काफी समय से बहस चली आ रही है और समय समय पर जो ऑब्जर्वेशन आए हैं उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। 1950 में ब्रिजभूषण वर्सेस दी स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश थापर वर्सेस दी स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में हाईलाइट दिया कि यदि कोई लॉ हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकता है क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सरकार को उखाड़ फेंकने का खतरा ना हो तब तक डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर नहीं माना जाएगा। इन्हीं डिसीजन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट लाना पड़ा। इस अमेंडमेंट में उन्होंने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए प्रोविजन दिए गए हैं उसे रीराइट किया। इस क्लॉज में पहले 4 कारण दिए थे जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकते थे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिसेंसी एंड मॉरेलिटी। फिर अमेंडमेंट के बाद 3 कारण और ऐड कर दिए गए, पब्लिक ऑर्डर, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इसे अपहेल्ड रखा और इसके एक्शन को वहीं तक सीमित किया जहां पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का इंटेंशन हो या इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो। केवल शब्दों की आक्रामकता जैसे वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच, विग्रस वर्ड, स्ट्रॉन्गली क्रूशल टू द गवर्नमेंट जैसे चार्जेस को सिडिशन नहीं माना जाएगा। 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल नारे लगाने से जिनसे पब्लिक पर कोई रेस्पॉन्स ही ना आया हो उसे सिडिशन नहीं माना जाएगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 अगस्त 2018 को सिडिशन पर एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया और उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफेंस ऑफ सिडिशन को रिटेन किया जाना चाहिए,
लेकिन उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला कि 2016 से 2019 तक जितने भी सेक्शन 124A के अंदर केसेस फाइल हुए हैं उनकी संख्या 160% बढ़ चुकी है, लेकिन इसमें कन्विक्शन रेट 33.3% से घटकर 3.3 हो चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि इन फिगर्स को देख के कि सरकार पब्लिक में भय पैदा कराए रखने के लिए इन केसेस में इस सेक्शन का यूज कर रही है। सेसेशनिस्ट और टेररिस्ट एलिमेंट से निपटने के लिए और एंटी नेशनल एक्टिविटी को रोकने के लिए सेक्शन 124A जो कि आईपीसी में डिफाइन है उसका होना इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुनी गई सरकार किसी भी स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होती है। यदि किसी वायलेंस की मदद से सरकार को अस्थिर या हटाने की कोशिश की जाती है तो उसमें आईपीसी का सेक्शन 124A लगाया जाता है। यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पीनल एक्शन लगता है तो कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां माओइस्ट और रेबल ग्रुप अपना पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं जो कि सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए वायलेंस फैलाते हैं, तो उनसे निपटने के लिए आईपीसी का सेक्शन 124A का होना जरूरी है। हो सकता है कि सरकार ने कुछ केसेस में इस सेक्शन का मिसयूज किया हो और पब्लिक द्वारा उसको पब्लिसाइज किया हो, लेकिन इन वजह से इस सेक्शन को हटाया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी यूटिलिटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आईपीसी का सेक्शन 124A गुलामी के समय ब्रिटिश रूल द्वारा बनाया गया कानून है। अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इस कानून को हटा देना चाहिए। ये कानून हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करने से डिसरप्ट करता है। एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए आपत्ति और आलोचना का होना जरूरी है, इसे सिडिशन में ना लिया जाए। जिस ब्रिटिश सरकार ने यह सेक्शन बनाया था इंडियंस की आवाज को दबाने के लिए, उन्होंने खुद अपनी कंट्री में इस सेक्शन को हटा दिया है, तो भारत में भी इस सेक्शन को हटा देना चाहिए। जिन कारणों की वजह से इस सेक्शन को जरूरी बताया जाता है, डिसरप्टिंग द पब्लिक ऑर्डर एंड ओवरथ्रोइंग टू गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मींस के लिए आईपीसी के दूसरे सेक्शन एंड यूएपीए 2019 ही पर्याप्त है, तो इस सेक्शन को कंटिन्यू करना लॉजिकल नहीं है। 1979 में इंडिया ने एक इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल राइट में अपना सहमति दी है। इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय हुए हैं, जबकि इंडिया में सिडिशन लॉ के अनियंत्रित और अनावश्यक यूज के वजह से इन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आईपीसी के सेक्शन 124A में जितने भी टर्म्स डिफाइन हैं, वो अपने आप में ही काफी वाइड मीनिंग लेकर बैठे हैं। जुडिशरी इन टर्म्स को अपनी तरीके से इंटरप्रेट करे और एक नैरो फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। रीजनेबिलिटी तो केस टू केस डिसाइड हो जाएगी, लेकिन एक बॉर्डर लाइन फॉर्म हो जाएगी तो आर्बिट्री यूज पर कंट्रोल पाया जा सकता है। सरकार से अब हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ऑफेंस ऑफ सिडिशन लॉ को इन्वोक तभी करे जब नेशनल इंटीग्रिटी के लिए जरूरी हो। इससे आम जनता में कॉन्फिडेंस बना रहेगा और वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सही तरीके से यूज कर पाएंगे, और कई बार इससे इनोवेटिव और जनहितकारी आइडिया भी सामने आ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफी उचित लगी होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर लीगल अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया से जुड़ें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।